हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी सबसे अच्छा हेयर केयर रूटीन, और ये हेयर केयर रूटीन हर किसी के लिए है। आप मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो, सब इसको फॉलो करना। जो भी मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ, अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करोगे तो आप देखोगे आपकी जितनी भी हेयर्स की प्रॉब्लम है सारी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, तो देखिए जो हमारे बाल होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमारी स्किन होती है अलग अलग टाइप की, वैसे हमारे बाल भी होते हैं। एक तो बाल ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयल बनता है, आपने देखा होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तब आप इसको समझ सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज या जेंट्स, बच्चे ऐसे होते हैं, वो शैम्पू कर लेते हैं, शैम्पू करने के बाद भी उनके जो बाल होते हैं एकदम ऐसे रहते हैं जैसे अभी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयल अपने बालों में लगा के रखा हुआ है, होता है ना। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, तो देखिए आपको ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। मतलब आपको गर्म पानी लेना है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी लोगे तो आपके बालों की झड़ने की समस्या फिर आपकी शुरू हो जाएगी, फिर उसको हेयर फॉल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करें, गर्म पानी से अपने बालों को धोया करें, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपको नहीं लेना है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो देखिए ड्राई बाल मतलब आप शैम्पू कर लेते हो तो उसके बाद आपके बाल एकदम रूखे सूखे आपको लगते हैं, मतलब इधर उधर बिखरे बिखरे और रूखे सूखे, और आपको ऐसा लगता है कि मैंने अभी शैम्पू किया और उसके बाद में जो मेरे बाल हैं एकदम सूखे से हो गए, तो अब इसके लिए क्या करूँ। तो आपको कैसे पानी का यूज़ करना है, तो आपको अपने बालों के लिए नॉर्मल पानी लेना चाहिए। मतलब आपको नॉर्मल पानी से या ताज़ा पानी होता है या फिर हल्का गुनगुना पानी से अपने बालों को धोना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके बालों का रूखापन बिल्कुल नहीं होगा और रूखापन भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कंडीशनर के लिए। देखिए जब आप बाल धोते हो तो कंडीशनर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंडीशनर करना क्यों ज़रूरी होता है, तो देखिए कम से कम आपके 20% तो अगर आप कंडीशनर अपने बालों में करोगे तो 20% आपका हेयर फॉल इसी से कंट्रोल हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, आपने देखा होगा जब आप कंडीशनर करते हो तो आपके जो बाल हैं एकदम स्मूथ हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप कॉम करते हो तो कॉम करने के बाद बहुत ही आसानी से आपके बालों में कंघी हो जाती है और आपके बाल आसानी से सुलझ भी जाते हैं। अगर आप कंडीशनर नहीं करते तो उसके बाद आप देखना आपको अपने बालों को सुलझाने में, कॉम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होगा और जल्दी से आपके जो बाल हैं वो सुलझेंगे भी नहीं और आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो आप कोशिश किया करें जब भी आप बाल धोएं तो बालों पर अपना कंडीशनर जरूर किया करें। अगर आप कंडीशनर यूज़ नहीं करना चाहते या फिर आपका इतना बजट नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी उसकी जगह ले सकते हो, और इस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कंडीशनर की जगह आप एलोवेरा जेल लेके उसे एक कंडीशनर की तरह अपने बालों में लगा के और धोया करें। ये भी बहुत ही अच्छा एक कंडीशनर का काम करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप बाहर निकलते हो तो ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर निकलते हैं जो हमारी स्किन होती है उसी को हमें मतलब चेहरे को ही कवर करके निकलना है। आप ध्यान रखें जब भी आप बाहर निकलते हो अपने बालों को भी आपको कवर करके निकलना है। तो क्या होता है, जब हम डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में आते हैं हमारी स्किन भी ख़राब होती है और हमारे उससे बाल भी ख़राब होते हैं। आपको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके बालों का टूटना भी बंद नहीं होगा। तो आप कोशिश करें जब भी घर से बाहर निकलें अपने बालों को अच्छे से कवर करके निकलें। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक हफ्ते में आपको कितने दिन शैम्पू करना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तब तो आपको ज़्यादा शैम्पू नहीं करना चाहिए, और अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल बनता है तब आप हफ्ते में 3 या 4 बार शैम्पू कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो शैम्पू आपको करना है लेकिन बहुत ज़्यादा शैम्पू नहीं करना है, उससे क्या होगा आपके बाल और ज़्यादा ड्राई होंगे। तो आप कोशिश करें जब भी शैम्पू करें तो शैम्पू के अंदर आप एलोवेरा जेल मिक्स करके और अपने बालों में अच्छे से शैम्पू किया करें। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, आप हमें बता दीजिए प्लीज़। तो आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि मैम कोई अच्छा सा शैम्पू हमें सजेस्ट कीजिए। तो देखिए अभी कुछ दिन पहले मतलब मैंने कम से कम 20 दिन पहले ऑनलाइन कुछ एक हेयर ऑयल मंगाया था और एक मंगाया था शैम्पू, क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट देखना था कि उसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो 20 दिन मैंने उसको यूज़ किया अपने बालों पर तो मुझे उसका रिजल्ट अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आप सब लोग मुझे पूछते ही रहते हो तो आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ क्रियाल्यूशन शैम्पू के बारे में, और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर है कैरेटीन,
बायोटीन, आर्गन ऑयल, जो आपके बालों को मजबूत बनाता है, स्मूथ करता है और साइन भी करता है। और इसके अंदर जिंजर भी है जो आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करता है। हमारे बालों में प्रोटीन रहता है जो कि हम ठीक से अपने बालों की केयर नहीं करते हैं तो वो चला जाता है। ये वापस लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसे लगाने का सही तरीका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इसे लगाने का सही तरीका है कि आपको अपने हाथों में लेना है। सबसे पहले आपको अपने बालों को थोड़ा सा गीले करना है। बालों को गीला करने के बाद इसे अपने फिंगर टिप पे लेके और आपको इस तरीके से धीरे धीरे अपने बालों की मसाज करनी है, कम से कम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट मसाज करने के बाद आप अपने बालों को पानी से धो लें। ये है इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, इसका प्राइस है 700, मतलब 700 रुपये। अब मैं आपको बताती हूँ ऑयल के बारे में कि मैंने ऑयल कौन सा मंगाया था। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ आपको, ये देखिए, ये है ऑयल हेल्थी रूट्स हेयर ऑयल। और इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसके अंदर है जिंजर ऑयल, कलौंजी ऑयल, सोयाबीन ऑयल, विटामिन ई और केफर ऑयल। और जिंजर में बहुत सारे विटामिन, मिनरल, फैटी एसिड होते हैं जो हमारी हेयर की जड़ को मजबूत बनाते हैं और जिंजर मॉइस्चर को भी कंट्रोल करता है। ऑनियन भी इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स है जो बालों की डैंड्रफ, जुए, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हेयर फॉलिकल में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। और इसे लगाने का सही तरीका क्या है, जब आप शैम्पू करने के लिए जाते हो तो उससे या तो 2 घंटे पहले लगा लें या फिर आप ओवरनाइट मसाज करके सो जाएं और दूसरे दिन अपना शैम्पू कर लें। ये है इसे लगाने का सही तरीका। तो देखिए, आप लोगों में से मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किए हैं कि मैम, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम जॉब करते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, इवनिंग में आते हैं, तो इतना टाइम हम लोगों के पास बचता ही नहीं है। तो आप हमें कोई अच्छा सा हेयर ऑयल या फिर कोई अच्छा सा शैम्पू सजेस्ट कीजिए। तो इसीलिए मैंने इस हेयर ऑयल को और शैम्पू को ऑर्डर किया था। इसका रिजल्ट मैंने खुद ने देखा है, मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ग्रे बालों की प्रॉब्लम है तो ये ग्रे बालों को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। जब से मैंने इसको लगाना शुरू किया है तो यकीन मानना, तब से मुझे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और एकदम सॉफ्ट नज़र आने लगे हैं। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस है 450, मतलब 450 रुपये। अगर आप इन दोनों को लेना चाहते हो तो इन दोनों का लिंक दे दिया मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इन्हें परचेज कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितने दिन ऑयलिंग करनी चाहिए। तो देखिए, आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप 2 दिन तो जरूर किया करें। इससे क्या होगा, आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा और आपके बाल लंबे भी होंगे, आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, आपको डैंड्रफ की समस्या भी खत्म होगी। अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम है सारी बढ़ती ही जाएंगी, आपके बालों का टूटना, गिरना और आपके बालों में बिल्कुल भी साइन नहीं रहेगी, चमक नहीं रहेगी, रूखे सूखे आपको अपने बाल नजर आएंगे और बालों का झड़ना तो कंटिन्यू बना ही रहेगा। तो आप कोशिश करें हफ्ते में 2 या 3 दिन अपने बालों में अच्छे से मसाज जरूर किया करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मसाज करने का सही तरीका क्या है। देखिए, अगर आप मॉर्निंग में शैम्पू करते हो तो नाइट में आप अच्छे से ऑयल से और अपने पूरे सर में मालिश करके अपने बालों में और छोड़ दीजिए और आप सो जाइए, मॉर्निंग में आप शैम्पू कर लीजिए। अगर आप नाइट में नहीं करना चाहते, नाइट में मतलब ओवरनाइट के लिए अपने बालों में ऑयल लगा के छोड़ना नहीं चाहते, तो आप क्या करें, 2 घंटे पहले जब आप नहाते हो, अपने बालों को धोते हो, उससे 2 घंटे या फिर 1 घंटे पहले अपने बालों में अच्छे से मसाज करें। मसाज करने के बाद आप 2 घंटे के बाद शैम्पू कर लें। बस आप ऐसे भी कर सकते हो, इससे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, जो भी अभी मैंने आपको बताई ये सारी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, बालों को जितना कि हमारा स्किन पे हम फेस पैक लगाते हैं उतना ही जरूरी होता है कि हम बालों में भी एक अच्छा सा कोई भी हेयर मास्क लगाएं। और इतना मतलब आपके पास टाइम नहीं कि आप होममेड बना के अपने बालों में लगा सकते हैं, तो आप मार्केट से भी जो आपके बजट में है, जो आपको पसंद है, मार्केट से भी ला सकते हैं। और हफ्ते में आपको कम से कम 1 या 2 बार हेयर मास्क जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, मतलब आपको डैंड्रफ की समस्या हमेशा बनी ही रहती है, आप लोग जानते हो कि विंटर सीजन में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप इसे छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको हफ्ते में क्या करना चाहिए। तो देखिए, हफ्ते में 2 दिन आपको जो भी आप ऑयल अपने बालों में लगाते हो उसमें आधा नींबू आप निचोड़ के और अपने बालों में अच्छे से मसाज करें। इससे क्या होगा, आपका जो डैंड्रफ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और आपके जो सर के बाल हैं, आपका जो डैंड्रफ जमा हुआ था वो एकदम से
से साफ हो जाएगा। तो इसे आप हफ्ते में 2 दिन जरूर करें। अगर आप कोकोनट ऑयल के साथ इसे करते हो तो इसका रिजल्ट आपको जल्दी भी मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है, फिर आप जो भी ऑयल लगाते हो उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ के, मतलब उसके आधे नींबू का रस आपको उसके अंदर डाल देना है और उसे अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में अच्छे से मसाज कर दें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप शैम्पू कर लें। इससे आपका जो भी डैंड्रफ है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर लाइफ में कभी होगा नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप अपना मतलब आपका डैंड्रफ खत्म हो गया उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया, आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन इसको करते रहना है। तो इससे आपका डैंड्रफ कभी होगा नहीं। आपको मैंने जितनी भी टिप्स दी है आपको सबके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि आपको किस तरीके से शैम्पू करना है, कैसे आपको ऑयलिंग करनी है और कैसे अपने बालों की देखभाल करनी है। और ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी, आपके बालों की लंबाई भी बढ़ेगी। और अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा। अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी कर लेना, उसका लिंक दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऐसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।